आपको सम्मानित किया जाता है आपको हमेशा अच्छा लगता है और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है स्ट्रगल इंडस्ट्री में नेवर स्ट्रगलिंग पीरियड जो आप कह रहे हो वो uh, शुरू से लेकर अंत तक हर एक्टर और एक्ट्रेस के लाइफ uh, में रहता है लेकिन uh, इसी का नाम जिंदगी है आई डोंट थिंक सो ये सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में है ये हर फील्ड में है हम जितना स्ट्रगल करते हैं हम सीखते हैं हम बढ़ते हैं और हम आगे जाते हैं सो so, स्ट्रगल करना कोई बुरी बात नहीं है मजा आता है मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफर का मजा जो है वो सफर के दौरान मंजिल पे पहुँच के नहीं है <laughs> तो हम उस सफर को कितना खूबसूरत बनाते हैं कितना अच्छा करते हैं वो हमारे हाथ में होता है एब्सोल्युटली अपने हाथ में अगर हम पॉजिटिव रहते हैं हम खुश रहते हैं और उसी नेगेटिविटी को हम अपने क्या कहते हैं फोर्स समझ लेते हैं पॉजिटिव समझ लेते हैं तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल अगर वही चीज़ हम लेके बैठ जाए हाए नहीं हुआ नहीं होगा तो वो कभी नहीं होता है और बहुत से हम बताएं जो बहुत सक्सेसफुल भी है सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है सबकी अपनी एक परिभाषा है कि आप कहाँ जाकर सक्सेसफुल फील करते हैं आप अपने अंदर हमें फ़ील करना है सक्सेसफुल हम बन जाए शाहरुख खान भी बन जाए स्टिल आई एम नॉट हैप्पी देन द मीनिंग ऑफ दैट सक्सेस सो आई एम आई एम आई एम वेरी हैप्पी एंड दिस इज माई सक्सेस पहले आता था बट लाइफ uh, में सीख रही हूँ मैं और अब uh, प्रैक्टिस कर रही हूँ कि नहीं आता आप यही कहना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन ना हो ही जाता है तो आई ट्राई कि uh, दूसरों को बोलने से पहले हम खुद करने की कोशिश करें एंड एक्चुअली आई ट्राई कि नहीं होता तो आई डोंट गेट दिस ऐसे बेटर के लिए हुआ एंड देन यू हैव द एनर्जी टू से नो टू थिंग्स एंड गिव्स यू अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस क्योंकि हमेशा इंसान रोता है कि अरे यार, यार हो जाता मेरा नहीं होता वो नहीं हो रहा है तो आपको उससे बेटर चीज मिलेगी एंड बिलीव मी इट हम छोटी चीज मांगते हैं मगर हम एक टॉफी मांगते हैं बट ऊपर वाले के पास पूरा स्लैब रखा है so सो अब मैं अब मैं नहीं होती डिसअपॉइंटेड हाँ पहले होती थी बुरा लगता था हाई यार चीज़ हाथ से निकल गई बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे ये स्ट्रेंथ दी है कि एक्चुअली नहीं होता हैप्पी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे डे आप मानोगे नहीं कि हम एक दूसरे को बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं हमारी दोस्ती एक शो के दौरान हुई थी एक बालाजी का शो हमने किया था मैं बहुत कम समय के लिए थी उस शो में कैमियो कैरेक्टर था मेरा सिर्फ छः एपिसोड्स में थी ये हालांकि एंड तक थी शो में लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और फ्रेंडशिप डे वाकई आज देखो हम यहाँ साथ में है बहुत सालों के बाद हम मिले लेकिन देखो ना हम साथ में फ्रेंडशिप डे दे मना रहे हैं तो शायद नहीं होता बट देखो ऊपर वाले ने चाहे वो पॉजिटिव हम मिले एंड इट इज वंडरफुल और घूमने आए इतनी दूर तक मजे आ रहे मजे <laughs> करेक्ट <laughs> ट्रैफिक में हम बस बस करके कैसे भी करके हम आ गए यहाँ पर हम लोग शूट करने गए थे वो बाहर गए थे ना कौन सा हाँ 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 हम महाबलेश्वर गए थे शूट करने के लिए आउटडोर शूट में हमारी गहरी गहरी दोस्ती हुई थी हमने खूब सारी बातें की हमने एक दूसरे को हेल्प किया अब क्या हेल्प किया वो मैं नहीं बता सकती आपको <laughs> हम करते थे दूसरे। <laughs> हमने एक दूसरे, दूसरे के भी थे। <laughs> हमने मतलब एक दूसरे के ब्यूटी सर्विसेज किए yes. हमने <laughs> तो uh, लायंट तो हम करना चाहते थे लेकिन क्या होता है ना कि समय इतना छोटा है शी आल्सो हैज कमिटमेंट्स एंड आई आल्सो हैव कमिटमेंट्स बट वी मेट इन द आफ्टरनून एंड वी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून टुगेदर एंड इट्स नियरली इवनिंग सो मे बी फ्रेंडशिप डे तक आज यही पर हमारा टाइम फिनिश हो जाएगा के साथ हम लोग बना रहे हैं यस आई एम डूइंग अ शो ऑन स्टार प्लस कॉल्ड इमली वेयर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अनु चतुर्वेदी सो वो मैं डेढ़ साल डेढ़ पौने दो साल से मैं वो शो कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन कोटा फैक्ट्री सीजन वन एंड टू विच इज बीन क्वाइट अ हिट फॉर मी एंड आई हैव डन लॉर्ड ऑफ एड्स अभी इमली शो में जैसे आप अलग ही आपका इवेंट प्लान चल रहा है तो फिर उसके उस किरदार जो आपने जो किरदार निभाया है उसके बारे में आप बताएं मेरे लिए शुरुआती में मतलब ये चैलेंजिंग था क्योंकि इसके पहले मैंने वार्म पॉजिटिव कंपैशनेट लविंग मदर्स का ही मैंने कैरेक्टर प्ले किया है आ, लेकिन जब इस रोल ये रोल जब मुझे ऑफर किया गया था ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर जब से मैंने काम करना शुरू किया है मुझे करीबन चौबीस साल हो गए हैं इंडस्ट्री में भले वो एड्स हो या टीवी हो या फिल्म्स हो मैंने सिर्फ एंड सिर्फ लविंग मदर्स का कैरेक्टर निभाया है लेकिन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अब इसके आगे भी जो मुझे मिले मुझे ऐसे ही वाला कैरेक्टर मिले क्योंकि वो वाले कैरेक्टर्स मैंने बहुत प्ले कर लिए